अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। स्वागतम 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 स्वागतम। हम शांति, ओम शांति शांति, वेलकम। आज तो एक अनूठा दिन है, अभी तक तो हम आपके पास आते रहे, लेकिन आज सुहावना दिन है, आज हमारे पास आप आए हैं, ठीक है ना। भले वर्चुअली ही सही, लेकिन ये भी वंडरफुल ड्रामा का सीन है। और बहनों, आप में से तिजोरी भी तो जान गए हैं आज कौन है। कौन है का मतलब सिर्फ नाम से नहीं, लेकिन काम से भी आप जान गए होंगे। लेकिन जो कुछ नए भाई बहन है उनको मैं बता दूं, आज हमारे पास विशेष वक्ता है। तो हमारी मीठी बहन, मीठी कविता बहन, जो यीशु दादी के साथ का सौभाग्य रहा इतना लंबा, और मुझे बहुत अच्छी अनुभूति है, जब भी जाते थे इतना मीठा और प्यारा, हमें हमेशा सत्कार मिलता था कविता बहन के द्वारा, हमेशा हर्षित मुक्ता रही, कभी थकान नहीं। क्योंकि दादियों के साथ रहना, इतने लोगों का मिलने को आना, तो एक सहज थकान कई बार हो जाती है। लेकिन ये मैंने इतने सालों में ऑब्जर्व किया, जब भी यीशु दादी को मिलने गए ना, तो पहले तो हमेशा कविता बहन का ही दर्शन होना है, लेकिन इतना हर्षित मुक्ता कि और बार जाने का दिल करता था बार बार। ये विशेषता मैंने हमेशा पाई, और एकदम एक्यूरेट, जब भी कैसे भी हर बात में मैंने एक्यूरेसी पाई है। तो आज हम खास कर यीशु दादी के साथ का अनुभव सुनेंगे कि कैसे आपका यीशु दादी के साथ पाठ चला, और यीशु दादी की विशेषताएं आप किससे ज्यादा कौन बता सकता है, सुना सकता है। और एक बहुत अच्छी कल मुझे जानकारी मिली है कविता बहन कि आप नागपुर से है, am I right? तो ठीक है कविता बहन, आप नागपुर से है, और सिर्फ आप ही नहीं, लेकिन बहुत सारी दादियां जो है उनके जो ब्राह्मणियां रही वो नागपुर से है। तो ये भी समझना होगा कि ऐसी तो कौन सी ट्रेनिंग नागपुर में चलती है कि सीधा दादियों के साथ अपॉइंटमेंट हुई उन बहनों की। तो ये तो बहुत विशेष है, तो ये खास मुझे लगता है ट्रेनिंग चलती है नागपुर में चली है कि मनोहर दादी और बहुत सारी दादियों की ब्राह्मणियां जो है वो नागपुर से रही। और इतना ही नहीं, हमारे दयाल भाई भी तो नागपुर से है। और तो आज दयाल भाई आप भी स्वागत करें, और सुभाष भाई, सुभाष भाई को बहुत उमंग रहता है, तो सुभाष भाई आप भी पहले वेलकम करें कविता बहन का, फिर दयाल भाई भी करें। अभी हमारे घर तो हमें बहुत खुशी है कि हमारे बहन हमारे यीशु दादी के साथ के इतने अच्छे अच्छे अनुभव सुनाएंगे, क्योंकि कई बार हमारे पास यहाँ दादी को लेके आते थे तो हमें बहुत मजा आती थी। हम लोग उनका व्हील चेयर लेके हम घुमाते थे, दादी हमें खिलाती थी, हम दादी को खिलाते थे, तो बहुत अच्छा। और दादी का तो हमारा 1983 से कनेक्शन रहा है, सबसे पहले मधुबन में दादियों से मिलना, और उससे बहुत सारे अनुभव तो है, लेकिन प्रैक्टिकल जो अनुभव है कविता बहन आपको सुनाएंगी, क्योंकि कविता बहन अंग संग रही है, कविता बहन को चांस देना चाहते हैं। तो कविता बहन सुनाइए आप अच्छे अच्छे अनुभव, हम भी पहली बार आपके सुनाएंगे सुनेंगे। तो भले आप शुरू करें कविता बहन। ओम शांति। सुनाई दे रहा भाई जी? जी। आज हमें भी बहुत खुशी हो रही है कि आप सबसे मिलने का हमें जो बहुत ही गोल्डन चांस मिला। सुभाष भाई जी ने जब हमें फोन किया तो हम उस सिचुएशन में नहीं थे, क्योंकि दादी जी हमें हर पल हर सेकंड याद आती रही, तो हम सोचे शायद हम कैसे कर पाएंगे। लेकिन आप सबकी प्रेरणा और इस सबकी दुआएं और ब्लेसिंग है जो आज हिम्मत करके हम आपके साथ जुड़ गए, और हमें बेहद खुशी हो रही है कि आप सबसे मिल करके। आप सबका भी वेलकम, आप सबका भी थैंक्स, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और
मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ क्योंकि मैं बचपन से ही बाबा के ज्ञान में रहूं। मैं 7 साल की आयु से बाबा के ज्ञान में चल रही हूँ और जब दादी जी के पास में रही तब मैं दादी जी के पास में जब मधुबन में आई तो मैं 89 से ज्ञान में जुड़ी, लेकिन जब यहाँ मधुबन में आई तो 98 में ज्ञान सरोवर में मनोहर दादी जी ने मुझे सिलेक्ट किया। मैं बहुत पार्टियां लेकर के आती थी। उसके बाद मैं 2 साल मनोहर दादी जी के साथ ज्ञान सरोवर रहे। उसके पश्चात हम मोहिनी दीदी की सेवा में भी हमें सिलेक्ट किया गया। मोहिनी दीदी की सेवा भी 2 साल रही। उसके पश्चात दादी प्रकाशमणि की हेल्थ में थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहा तो मोहिनी दीदी ने आगे से ऑफर किया कि आप दादी जी की सेवा कीजिए। तो 8 साल दादी प्रकाशमणि जी के साथ भी रहने का मुझे बहुत शुभ अवसर प्राप्त हुआ और दादी जी का बेहद प्यार मिला। इतना प्यार शायद मैंने लौकिक में भी नहीं दिया हो। इतना प्यार मुझे दादी प्रकाशमणि जी से मिला। जब दादी प्रकाशमणि जी बाबा के पास चले गए उसके बाद हम थोड़े फ्री हो गए तो ईशो दादी आगे से हमें रोज कहती थी आपको बाबा ने मेरे लिए रखा है। और मोहिनी दीदी मुनि दीदी बेहद प्यार और पालना दिया उन्होंने भी। तो मुझे पहले ख्याल आया था क्योंकि दादी प्रकाशमणि हमें इतना प्यार करती थी तो हम दादी के बिना शायद हम जी नहीं पाएंगे या कहीं और यहाँ रह नहीं पाएंगे। पल पल में दादी जी की याद आती थी लेकिन दादियों की पालना और प्यार ने वो भी हमें साथ निभाने की शिक्षा प्राप्त किया। और दादी जी ईश्वर दादी जी स्वयं आगे से होके कहती थी कि आप मेरे साथ रहो, मेरे साथ रहो, मेरी सेवा में आपको रहना है करके। तो इस प्रकार से मैं दादी जी के साथ में रही और दादी जी इतना शांत इतना शीतल होते हुए भी बस उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा ही मुझे आकर्षित करता था क्योंकि दादी जी बहुत गंभीर थे, इतना बात नहीं करते थे लेकिन दादी जी के हाव भाव और दादी जी के वाइब्रेशन मुझे अपनी तरफ खींच लेते थे। दादी जी हमेशा इतनी हर्षित होती थी कि दादी जी की जैसे कहती दुनिया एक झलक देखने के लिए तरसती है वैसे मैं ईशो दादी जी के साथ में रही लेकिन पल पल में मैं बाबा के साथ का अनुभव भी करती थी कि जब मैं दादी जी का हाथ पकड़ के घूमती हूँ तो ये दादी जी का हाथ नहीं है लेकिन स्वयं साकार बाबा का हाथ है क्योंकि दादी जी 8 साल की आयु से साकार बाबा का हाथ लेकर के ही चढ़ती थी। दादी जी हमें सुनाती थी कि बाबा जब भी पहाड़ी चढ़ते थे कहीं भी जाते थे तो बाबा मेरा हाथों में हाथ लेके जाते थे। तो मैं भी हमेशा यह महसूस करती रही कि हमने मम्मा बाबा को तो नहीं देखा लेकिन साकार में हमने दादी जी को देखा। और दादी जी प्यार की प्रतिमूर्ति थी, हर्षित मुखता की, सहनशीलता की, अनेक विशेषता और गुणों से दादी संपन्न थी। तो जब भी मैं दादी जी का हाथ पकड़ती थी, दादी जी को देखती थी, दादी जी के साथ ही चलती थी तो यही महसूस करती थी कि ये दादी नहीं है, मेरे लिए बाबा है। और बाबा का स्वरूप ही है जो उनका अंग, उनका संग, उनके वाइब्रेशन, उनकी शक्ति का मुझे अनुभव होता था। हमेशा मैंने बाबा वाली दादी के रूप में ही देखा, कभी ये नहीं देखा कि दादी कभी एक सेकंड भी बाबा से दूर रही हो। क्योंकि जब भी दादी कोई बात हमें सुनाती थी, कोई भी मिलने आते थे तो बाबा बाबा के ही गीत गाती थी, मेरा बाबा, मीठा बाबा, तुम बाबा को जानती हो, तुम बाबा से मिली हो। तो मैं दादी जी को कहती थी, दादी जी हम तो बाबा को फोटो में ही देखते हैं, भले हम योग में बैठते हैं तो सूक्ष्म वाइब्रेशन के साथ बाबा को वतन में मिलते हैं लेकिन दादी साकार में हमने आपको देखा। अब आप हमारे लिए सब कुछ बाबा भी हो, मम्मा भी हो। तो दादी आपका सानिध्य और आपका प्यार जो है हमारे मनोबल को बढ़ाता है और हमें असीम खुशी शक्ति का अनुभव कराता है। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि मैं 10 साल पहले सेंटर पर भी रही, नागपुर सेवा केंद्र पर, और पार्टी लेके जब आती रही तब मुझे यहाँ पर दादियों ने ही चांस दिया और आज मैं दादियों के कारण ही 23 साल से 23 इयर्स हो गए जो मधुबन में सभी दादियों की पालना में मुझे बहुत खुशी मिली और बहुत शांति और शक्ति का अनुभव हुआ। दादी जी का परिचय देंगे कि दादी जी का जो पूरा नाम था, दादी जी का लौकिक नाम ईश्वरीय था,
लेकिन बाबा दिन में बहुत काम पड़ता था बाबा को, 100 बार तो दिन में बाबा काम, तो इतना ईश्वरीय नाम न लेते हुए बाबा ने उनका शॉर्ट में ईश्वर कर दिया कि ईश्वर के सानिध्य में रहने वाली दादी ईश्वर। उसके बाद बाबा ने जैसे सभी दादियों को चंद्रमणि, प्रकाशमणि, रत्नमणि ऐसे सभी को नाम दिया, उस प्रकार बाबा ने दादी जी को पूर्ण शांता मणि, यह बाबा ने अव्यक्त बाप दादा का जो दिया हुआ नाम था यह नाम दिया। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ, दादी जी को इतना लंबा नाम कोई भी बाबा ले नहीं सकते थे, इसलिए बाबा ने वो नाम गुप्त ही रखा। वो नाम दादी जी हमें सुनाती थी, दादी आपका पूर्ण शांता मणि नाम क्यों रखा गया, तो दादी कहती थी मैं ज्यादा बात नहीं करती थी ना, मैं चुप रहती थी, इसलिए बाबा ने मुझे यह नाम दिया। तो मैंने कहा दादी आप सचमुच में पूर्ण ही शांत स्वरूप में रहते हो, तो आपके गुणों के साथ आपकी विशेषताओं के साथ बाबा ने ये जो पूर्ण शांता मणि नाम रखा वो ये विशेष नाम रखा है। तो दादी कहती थी तुमने तो बराबर पकड़ लिया कि सचमुच मैं ऐसी हूँ। मैंने कहा दादी आप ऐसी है नहीं, बाबा ने आपको ऐसे बना के रखा है, शांत मूर्त हर्षित मुक्ता और इतनी इतनी प्यारी इतनी स्वीट दादी, तो आपको किसने बनाया ऐसे। कहती मुझे बाबा ने बनाया। दादी जी 7-8 साल की आयु से जब बाबा के पास में आई तो बाबा के साथ कैसी आई दादी जी, हम दादी जी को अनुभव पूछते थे तो दादी जी हमें कहती थी कि मैं बहुत छोटी थी तो बाबा मम्मा सब हमारे घर पास पास में होते थे, तो अचानक एक दिन मैं ऐसे ही घर से आंगन में बाहर निकली और बाबा अपने घर से बाहर निकले आंगन में, तो बाबा और दादी के बीच आंगन में मुलाकात हुई और उसी के बीच में दादी जी को बहुत विशेष प्रेरणा हुई कि ये जो व्यक्ति है ब्रह्मा बाबा जिनको दादा लेखराज के नाम से जाना जाता है, ये बहुत बड़े व्यक्ति है, बहुत महान और तपस्वी व्यक्ति है। तो दादी जी को उन्होंने कहा कि आओ बच्ची आओ, और बाहों में ले लिया, और बाहों में लेने के बाद दादी को जैसे गोदी में ले लिया, कहा आप मेरे साथ चलोगी, आप तो बहुत प्यारी हो, बहुत स्वीट हो। तो दादी को बहुत महसूस था हुई कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, जैसे ये भगवान है, इस प्रकार दादी को अनुभव हुआ और दादी जी उनकी गोदी में ही चल पड़ी, उनके ओम मंडली में दादी चली गई। अब ओम मंडली में चली गई तो दादी जी ने ये भी नहीं देखा कि मेरा परिवार है, मैं क्यों जाऊं, मुझे लौट के आना, दादी वहीं रह गए। और जब परिवार वालों को मैसेज भेजा कि मैं तो मैं लेखराज ओम शाह ओम मंडली में आ चुकी हूँ, तो आप सब लोग आए, उनके मम्मी उनकी बहन उनको मिलने के लिए गई, उनको भी अच्छा लगा। ऐसे करते करते दादी जी का तो पूरा परिवार मेरा वहां पर ही आ गया और मुझे देखते देखते उनको खुशी होने लगी और वो खुश होके यही गाते रहे कि ये तो बहुत अच्छा स्थान है, बहुत अच्छा वायुमंडल है, अच्छे वाइब रहे, हम तो अच्छा हमारी बेटी गई, हम तो खुश है इसमें, हमें कोई ऐसी तकलीफ नहीं है कि आप यहाँ क्यों गई करके। तो दादी जी ने हमें ये सुनाया कि जिस दिन से मैं बाबा के पास रही उस दिन से बाबा जो वाणी चलाते थे, जो बाबा अच्छी शिक्षाएं देते थे, वो मैं फटाफट नोट कर लेती थी। दादी जी की देखा हमने बहुत सारी डायरिया हमारे पास में सिंधी में लिखी हुई है, आज भी वो डायरी हमने संभाल के रखी, कुछ तो हमने जो सिंधी जानते हैं हमने उनको दे दिया क्योंकि हम सिंधी नहीं जानते। तो हमने कहा कि आप दादी जी ने इतना विशेष लिखा हुआ है, कुछ विशेष सेवा में इसको यूज हो जाए, इसलिए हमने उन्हें दी। और फिर दादी जी की और भी डायरिया हमें नोट करके हमने रखी ये संभाल करके। लेकिन दादी जी को मैंने देखा कि दादी कॉटेज में हम साथ में रहते थे, दादी जी अपना जो फाइनेंस का कारोबार भी संभालती थी, दादी ने इतनी बड़ी फाइनेंस जांच कहेंगे कि वित्त मंत्री दुनिया की नजरों में फाइनेंस डिपार्टमेंट दादी इतना संभालते थे, लेकिन इतना शांत इतना गंभीर इतना हर्षित मुख होके भी सारा दिन हिसाब किताब लिखते रहते थे। आज हम देखते हैं जो दादी अकेली इतना बड़ा कार्य संभालती थी, आज 100 लोग कंप्यूटर लेकर वो कार्य संभाल रहे हैं। और मैंने दादी जी को देखा, दादी जी पूरा टाइम डायरी पेन हाथ में लेके होते थे, किसने कितना दिया वो तुरंत नोट करते थे, दादी जी से किसने कितना लिया वो तुरंत नोट करते थे। और जब कोई लेने के लिए भी आते थे कि दादी जी हमें जरूरत है इतना चाहिए, तो दादी बिना सवाल किए अच्छा आप लीजिए, दादी मैं इस ग्रुप में यहाँ पर रहता हूँ, मेरा ये नाम है, दादी जी ने कहा
आप बाबा का बच्चा हो, बस इतना परिचय है, आप थोड़ी ना ज्यादा कुछ लेंगे, आप तो यज्ञ में जितना आपको जरूरी है उतना ही लेंगे। मतलब मैंने अपनी आंखों से देखा कि दादी ने हमेशा बड़े सरल भाव से हर एक को सहयोग देती थी। लेकिन एक ये भी देखा कि वही खर्चा कभी हम कहेंगे दादी जी आपके लिए हम कुछ लेके आए, मैं थोड़ी सी मजाक करती थी दादी जी आपके लिए कोई खर्चा करे, पर कहती थी नहीं, ये जो खजाना मिलता है बाबा के यज्ञ के वो मेरे लिए पर्सनल यूज के लिए नहीं है, जैसे बाबा के यज्ञ में है तो मैं बिना बड़ों की परमिशन से एक रुपया भी इसमें से नहीं ले सकती थी। हमने उनके अंदर ये देखा, दादी जी के अंदर, हम थोड़ा ही ऐसे हंसी मजाक में भी बोल देते थे दादी आज हम कुछ खरीद के लाए आपके लिए, आप हमें एक रुपया देंगे ये उस समय दो रुपया देंगे, नहीं आप गोलक बाय से जाकर के तो दादी आपके लिए यूज करेंगे तभी गोलक, बोले हाँ मेरे पास आया इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरी प्रॉपर्टी है, वो यज्ञ में आया है। और जब यज्ञ में कोई चीज आ जाती है, यज्ञ की अमानत है, वो बिना बड़ों से परमिशन से हम उसे यूज नहीं कर सकते। तो इतनी वफादारी, इतनी ईमानदारी, इतनी सच्चाई, इतना ऑनेस्ट मैंने दादी से बचपन से ही देखा, जबकि मैं 18 साल की आयु में मधुबन में आई, लेकिन दादी के रग रग में बाबा बाबा और बाबा, कभी अपनापन नहीं देखा कि मैं अपने प्रति कुछ यूज करूं। दादी के पास में जो चीजें होती थी ना, बहुत कम से कम चीजें यूज रखती थी, जैसे बाबा मुरली में भी कहते हैं डबल जूते नहीं रखने हैं, डबल कपड़े नहीं रखने हैं, तो दादी के अंदर मैंने वो विशेषताएं देखी, चार जोड़ी कपड़े से एक कपड़ा भी आगे नहीं रखना है, दो जोड़ी चप्पल से एक अंदर एक बाहर के लिए नहीं रखना, मतलब कूट कूट के अंदर उसने एक नामी और इकोनॉमी का जो अवतार है वो मैंने प्रैक्टिकल अपनी आंखों से देखा। और हमेशा भले दादी जी संगठन के बीच में है, हजारों के बीच में है, लेकिन हजारों के बीच में होती हुई भी वो बहुत न्यारी और प्यारी एकांतवासी। तो मैं दादी को हमेशा कहती थी दादी जी आप तो एक नामी हो, एकानामी हो, लेकिन आप यहाँ होते भी एकांतवासी, क्योंकि दादी जी इतने सबके बीच होते हुए भी यहाँ बैठी है, हमें दादी दिख रही है कि यहाँ बैठी है, लेकिन बैठे बैठे भी दादी गुम हो जाते थे, एकांतवासी में खो जाती थी। तो हमेशा लगता था कि दादी देख रही है, मुस्कुरा रही है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। दादी के हाथ में 24 घंटा में मुरली देखती थी, दादी जी एक मुरली को 3 बार पढ़ते थे और 3 बार पढ़ने के बाद में उस मुरली को नोट करते थे। तो मैंने दादी जी से सवाल किया दादी ये सारी मुरली तो आप ही नहीं लिखी हुई है। दादी जी ने मैं सुना था कि बाबा उस समय 40 पेज मुरली चलाते थे, क्योंकि बाबा 2 दिन 1.5 दिन ऐसे रहते तो 40 पेज, और दादी जी शॉर्ट इनिशियल दादी जी ने उस समय पर दादी ने खुद अपने हाथों से तैयार किया और शॉर्ट में लिखती थी, जैसे सृष्टि चक्र हो तो दादी गोला बना देती थी, जैसे लक्ष्मीनारायण लिखना हो तो LN लिख देते थे। तो दादी ने शॉर्ट इनिशियल अपना खुद तैयार किया और 40 पेज मुरली को दादी 4 पेज में कन्वर्ट करती थी। इतने महान, जो ऐसे तो कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जो पढ़ाई के लिए गए थे, क्योंकि बाबा ने तो ओम मंडली में जो शिक्षा दी वही शिक्षा दी दादी जी ने लिए थे। और दादी जी को इंग्लिश भी बहुत अच्छी आती थी, इंग्लिश में लिखना बोलना पढ़ना, और जो विदेश के भाई बहन आते थे उनको आंसर भी बहुत अच्छे से। तो मैं दादी से बहुत बार कहती थी दादी जी आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किए हो? कहते हैं बाबा की पढ़ाई से बड़ी कोई पढ़ाई नहीं होती है। तो बाबा आपको इंग्लिश भी पढ़ाते, दादी आपको हिंदी भी पढ़ाते, सिंधी भी, अरे बाबा क्या नहीं पढ़ाता है तुम क्या जानो। तो मैं मजाक में कहती दादी आपको बाबा कब पढ़ाते हैं, कहाँ कौन सी आप किस समय आप पढ़ाई करते, तो आप मुझे भी बिठाई मैं भी आपके साथ पढ़ाई करूं। तो कहती थी वो बताने की बात नहीं है, तुम उसको महसूस करो। मतलब हमेशा दादी कहती थी दिल में बाबा है लेकिन मैं दिखा नहीं सकती, उसे तुम महसूस करो। उसी प्रकार बाबा जब हमें इतनी शक्ति दे रहे, पढ़ा रहे, इतना नॉलेज दे दे, वो हम कैसे दिखाए तुमको, तुम बाबा को याद करो, बाबा तुझे अपने आप देगा। तो दादी के अंदर हमने कूट कूट करके ये देखा कि हर सेकंड में बाबा को कैसे फॉलो करना और कैसे बाबा की हर श्रीमत को अपने अंदर धारण करना। दादी प्रकाशमणि जी के साथ में दादी ने पूरी आयु बिताई, जब पहले तो बाबा के साथ ही रहे और बाबा जहां भी जाते थे दादी जी का हाथ पकड़ करके ही उनके साथ जाते थे। बाबा दादी हमें एक बात हमेशा सुनाती थी, बाबा के पास बहुत सारे पत्र आते थे,
आप सबने सुना होगा था कि बहुत देश विदेश इंडिया के, क्योंकि उस समय तो टेलीफोन टेलीग्राम नहीं थे, तो लेकिन उस समय पत्र व्यवहार होता था, तो हर एक के पास पत्र, और बाबा उस पत्र को सिंधी में जवाब देते थे और सिंधी तो सब जानते नहीं थे, तो इसीलिए दादी जी बाबा के अक्षरों को बहुत ध्यान से पढ़ती थी और उन्हीं के अक्षरों के नीचे नीली साई से अपने हिंदी में लिखती थी, उनको अनुवाद करके देती थी, तो सारा दिन इसमें बिजी होती थी। और उसके बाद में जितना भी पत्र व्यवहार आता था, पत्र व्यवहार आने के बाद में दादी को फिर मान लीजिए किसी के कोई बात भी हो, कोई सामने खड़ा भी हो, तो हमें आशा दीदी ने बहुत एक अच्छी बात सुनाई थी, बोले कोई व्यक्ति की कितनी भी बड़ी बात हो, वो पत्र में लिखा हुआ हो और वो व्यक्ति मधुबन के अंदर भी हो, और जब मीटिंग होती बातचीत होती तो कोई कहते दादी आज हमारा पत्र आया, कोई बात गड़बड़ हुई है, क्या समाचार है बताओ, आप तो सब जानते हो, आप भी लेटर लिखते थे, दादी कहती थी बाबा जानता है, मैं कुछ नहीं जानती। दादी इतनी गुप्त होती थी, जैसे कहते ना एक हाथ का इशारा दूसरे हाथ को पता ना चले, कि इतना गुप्त, इतने अपने आप को, मतलब किसी भी बात को ओपन नहीं, इसलिए बाबा ने उनको गुप्त गोपनीय रखा, इस कारोबार में भी रखा तो कार्य व्यवहार में भी बाबा ने उनको गुप्त रखा, कि हमें जैसी कोई बात पता चली हम तुरंत वर्णन कर देते, आज ये हुआ, आज ये हुआ, आज ऐसा हुआ, लेकिन दादी जी के जीवन में मैंने कभी नहीं देखा। जितना दादी प्रकाशमय जी पूछेगी, इस दादी आज कोई प्रोग्राम है मेरे लिए, आज कोई पत्र आया है मेरे लिए, बस दो शब्द में शॉर्ट करके, बहुत शॉर्ट में वो दादी उसको आंसर देती थी, वो भी अकेले में गुप्त। तो दादी जी के अंदर देखा कि इतनी रॉयल्टी, इतने रॉयलपन के संस्कार, कि किसके सामने क्या बोलना और किसके सामने क्या नहीं करना, वो दादी जी में खूबहूब वो विशेषताएं समाई होती थी। लेकिन दादी प्रकाश जी का राइट हैंड बन करके चली। एक बार की बात आप सबको सुनाए हैं, जब बाबा ने शरीर छोड़ दिया, तो जब बाबा ने शरीर छोड़ दिया तो सभी के मन में बहुत हलचल होने लगी कि आगे का कारोबार अभी कैसे चलेगा, अभी किसको कुछ पता नहीं, क्योंकि कुमार का दादी जी, दादी प्रकाशमणि जी बॉम्बे में रहते थे, अन्य सभी दादियां तो जैसे दादी मनोरेंद्र जी पंजाब में रहते थे और दादी चंद्र, सभी दादियां तो बाहर ही रहते थे, केवल ईश्वर दादी मधुबन में बाबा के साथ में रहते थे। तो बाबा को जब पूछा गया कि अभी कारोबार अचानक बाबा चढ़ के कैसा चलेगा, तो उस समय दादी जी ने ये नहीं कहा कि मुझे सब पता है, दादी प्रकाशमणि ने कहा अभी हम ये कारोबार आगे का कैसा चले हम कैसे पता चले, तो संदेशी को बिठाया, प्रकाश संदेशी बहन अभी आप जाकर के संदेश लेके आओ, बाबा से बोलो कि बाबा ये जो कारोबार है यज्ञ की आगे बढ़ाना कैसे चलना कैसे होगा आप बाबा से पूछ के आओ। तो उस समय जब संदेशी को मैसेज गया कि बाबा से यह सवाल करके आपको आंसर चाहिए कि आगे का कारोबार कैसे चले, तो उस समय पर संदेशी गई बाबा के पास और बाबा से कहा बाबा आप तो वतन में आ गए लेकिन सभी बच्चों को आपस में चिंता हो गई है कि आगे कैसे चलेगा, तो बाबा ने कहा कि मैंने जो अभी यीशु बच्ची है उनको मैंने सब कुछ बता के रखा है, आप उनको अपने साथ रखो और वो आपको सब कुछ बताएंगी। क्योंकि बाबा जब आते थे पांडव भवन में तो पूरी पूरी रात दादी जी बाबा के साथ बैठे होते थे, दादी प्रकाशमणि जी और दादी यीशु जी पूरी रात बाबा के, और दादी पूरा टाइम डायरी पेन लेके नोट करके बैठते। तो उस समय बाबा ने कहा कि मैंने बच्ची को डायरी में हर चीज नोट कराई है, आप यीशु बच्चे से पूछो, यीशु बच्ची आपको हर एक बात समझा के बताएगी कि आगे क्या होना है आगे कैसे चलेगा। जब वो संदेशी आई, दादी प्रकाशमणि जी को सारा समाचार दिया, तो उन्होंने यही कहा कि बाबा ने कहा कि यीशु बच्ची को सब पता है, तो जब दादी यीशु को कहा कि दादी आपको सब पता है, बाबा ने आपको सब कुछ बता के रखा, आपने डायरी में नोट करके रखा, तो आप बताओ का मुझे किसी ने पूछा ही नहीं, इसीलिए मैंने किसी को बताना समझा ही नहीं। तो इतना गुप्त कि बाबा के इशारे तो मिले हैं लेकिन बाबा के बिना परमिशन से मैं कैसे बताऊं, ये उनका सबसे बड़ा राज था। और जब जैसे कहा कि दादी प्रकाशमणि को कि ईश्वर बच्चे को सदा अपने साथ रखना, हर पल हर घड़ी उसको साथ रखना, जबकि कि एक तो फाइनेंस का पूरा कारोबार दादी संभालते थे, ऊपर से दादी मुरली पूरी नोट करती थी,
और दादी जी हमेशा गुप्त और गोपनीय रही, हर्षित मुख, एकाग्रता और एक नामी और इकोनॉमी, हमेशा इस बात का ध्यान रखा दादी जी ने। तो दादी जहां भी जाती थी, दादी प्रकाश मणि जी ईश्वर दादी को हमेशा अपने साथ लेके जाती, चाहे वो इंडिया में कहीं बाहर जा रहे हो, चाहे विदेश जा रहे हो, लेकिन विदेश में भी हर कोना दादी जी ने अपने साथ घुमाया, हर सेकंड उनको अपने साथ रखा। जब दादी जी गाड़ी में बैठती थी तो पहले कहती थी ईश्वर दादी बैठिए गाड़ी में, इतना प्यार मैंने खुद अपनी आंखों से देखा दादी की सेवा में। जैसे खाना खाने में बैठेगी ईश्वर दादी को बोलो खाना खाने आ जाए, कहीं भी जाते थे तो ईश्वर दादी को बोलो हमारे साथ चले, और तब इतना आपस में प्यार दोनों दादियों का, तो लगता था जैसे हंसों की जोड़ी जो आपस में एक, भले शरीर दो है लेकिन एक होके इतना आपस में मिलनसार प्यार और भावना, वो भी हमने दादी से सीखा कि आपस में प्यार हो, प्यार भी हो और न्यारा पन, इतना ही प्यार, इतना ही पालना, इतनी ही प्यार लेकिन उतना ही न्यारापन दादी रहती थी। दादी को देखा मैंने, बहुत सेवा करती थी लेकिन अटैचमेंट किसी में नहीं थी। आज हम देखते हैं तो हमारी सेवा साथी भाई बहन थोड़ी अटैचमेंट तो हो ही जाती है, लेकिन जैसे प्रकाश में दादी ने शरीर छोड़ा तो मुझे लगा दादी अभी कैसे रह पाएगी, क्योंकि बहुत अटैच था, हमेशा दादी 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 करके गीत गाती थी और कैसे दादी अभी रह पाएगी। लेकिन दादी को देखा, दादी प्रकाश में जाने के बाद भी दादी जी एकदम शांत रहती थी, सोफे पर बैठ के मुरली पढ़ती थी, तो और मैं छोटी थी बहुत, दादी मुझे प्रकाश में बहुत प्यार करती, मुझे रोना भी आता था और मैं रोती तो कहती थी तुम क्यों रोती हो, बाबा नहीं है तुम्हारे साथ में? तो मैंने कहा दादी बाबा है, लेकिन दादी मुझे बहुत प्यार करती थी, तो कहा बस प्यार करती थी वही याद आता है, दादी की शिक्षाएं याद नहीं आती, दादी ने तुझे क्या क्या सिखाया, तुमने दादी से क्या सीखा, तुरंत मेरे मन को टटोल करके उसको चेंज कर देती थी। तो दादी आपको दादी याद नहीं आती है? तो कहती है क्यों नहीं आएगी, दादी याद आती है, दादी याद आएगी क्यों नहीं आएगी, लेकिन कि हम दादी को याद करेंगे तो बाबा भूल जाएगा ना, तो हमें बाबा को याद करना है, दादी को थोड़ी ना याद करना है। तो इतना ही प्यार उतना ही न्यार, ये हमने दादी से देखा, इतना ही दादी में वो विशेषता और वो गुणों को हमने देखा। लेकिन सच कहे ना, दादी जैसा हमें बनना बहुत मुश्किल है, आज मैं कोशिश करती हूँ लेकिन मैं नहीं बन पा रही हूँ, क्योंकि दादी दादी थी, हम तो हम है। आज ईशु दादी को हमारी माँ थी, हमारे लिए तो भगवान का रूप थी, हम जो बातें याद करते कि दादी ने हमें जो सिखाया दादा प्रैक्टिकल बने, लेकिन इतना मुश्किल, इतना आसान नहीं है कि इतना न्यारा और इतना प्यारा बनना जो दादियों ने कर दिखाया। शायद हम बहुत कोशिश करेंगे, बन भी जाएंगे, लेकिन दादियों जैसा बनना नहीं हो सकता, क्योंकि दादी एक उदाहरण मूर्ति थी पूरे विश्व के लिए। जितनी प्रेरणा उनके जीवन से मिलती थी, हर प्रकार की प्रेरणा की, दादी कार्य करते करते भी अपने को ठीक कैसे रखती थी। एक बार मैं दादी जी के, जैसे दादी की पहले सेवा नहीं थी, लेकिन दादी प्रकाश में जाने के बाद में मुझे उनकी सेवा का शुभ अवसर मिला, तो मैं दादी के कमरे में गई, दादी जी आपके पास कोई सेवा है? तो दादी ने कहा नहीं नहीं मैं तो 85 की उम्र में हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी की सेवा नहीं ली और मुझे आदत नहीं, मैं तो सब कुछ अपना कर लेती हूँ। तो मैंने कहा दादी आपने तो कहा कि आप मेरी सेवा करो, तो मैं आपकी क्या सेवा करूँ? तो दादी जी ने कहा आप बैठो मेरे पास में। तो दादी मैं आपके पास केवल बैठी रहूँ, मेरी यही सेवा? बोले और क्या करेंगे, बाबा को याद करो। तो सच में मैंने थोड़े देर बैठे और बाबा को याद करते रहे, फिर बाद में लगा कि मैं बैठी बैठ के करूँ कुछ तो करूँ। तो दादी जैसे रेस्ट करके उठे, तो मैंने कहा दादी जी ये चादर है ना मैं लपेट देती हूँ, आप बैठिए। बोली क्यों, ये तो मैं आप ही करेगी, मैं तो खुद ही हमेशा करती हूँ। देखो कहते हैं ना कि एक्सरसाइज करो, तो मैं सिखाती हूँ कि कर्म के साथ एक्सरसाइज का कैसे बैलेंस रखने का। तो चादर को उठाया, यूं उठा करके उसको बहुत अच्छे से फैला के उसको घड़ी किया, फिर झटक के उसको अच्छे से फोल्ड किया, तो देखो हो गई ना, चादर भी लपेट गई, एक्सरसाइज भी हो गई। तो हम अलग से समय क्यों निकाले, जो हमारी दिनचर्या है हम उसी में अच्छे से अपने कार्यों को व्यस्त करते करते
हम कार्य भी करें अपने आप को ठीक भी रखें। और दादी जी सुबह उठते 5 बजे अमृत वेले के बाद सोती नहीं थी। दादी जी का नियम था अमृत वेला कभी भी मिस नहीं करती। दादी 3:15 का गीत बजने के पहले ही दादी उठ जाते थे और इतना डीप साइलेंस में योग करती थी। जब दादी योग में बैठती थी दादी कोठे में, जब मैं दादी जी की सेवा में थी तो ऐसा लगता था जैसे एक ही लाल लाइट बाबा का जो कास्केट है वो जलता था, लेकिन ऐसे भाषणा होती थी जैसे कि बाबा सामने आकर के दादी जी को सारी शक्ति वाइब्रेशन दे करके पावरफुल बना रहे हैं। और दादी हमेशा बैठ जाती थी और दादी सोफे पर बैठी होती थी और मैं दादी जी के पाँव के पास बैठती थी और दादी के पाँव को मैं अपने गोदे में लेती थी। तो दादी कहती थी नहीं नहीं तुम्हारा स्थान यहाँ पर नहीं है, तुम कोच पर बैठो। मैं कहती दादी आप तो साक्षात देवी बने, आपका स्थान तो बहुत ऊंचा है लेकिन मेरा स्थान तो आपके चरणों में है। तो दादी कहती थी बाबा के दिल में तुम नहीं हो, बाबा तुम्हारे दिल में नहीं है, मुझे छेड़ती थी। तो मैं कहती थी आप दादी बाबा के दिल में हो, बाबा आपके दिल में, मेरे दिल में बाबा भी है दादी भी है लेकिन मैं बहुत छोटी हूँ दादी, आपके चरण स्पर्श करूं आपके चरणों में रहूं यही मेरी सबसे इच्छा। लेकिन फिर भी जब मैं दादी के चरणों को अपने गोदी में लेकर के योग करती थी अमृत वेला, दादी नहीं कहती थी कि ऐसा करो लेकिन मेरी भावना थी दादी से मेरे को बहुत ज्यादा प्यार था। तो दादी मेरे सर पर ऐसे हाथ घुमाती थी और बहुत सारा ढेर सारे ब्लेसिंग दे करके कहती थी बाबा को याद करना है, दादी याद नहीं करना, दादी को याद करने से तुझे क्या मिलेगा, तुम बाबा के बच्चे हो, बाबा दिल में रहेगा तो तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तुम्हारे भविष्य अच्छी बनेगी। दादी अमृत वेले मुझे शिक्षा देती थी। उसके बाद में अमृत वेले के बाद दादी मैं अन्य कारोबार में व्यस्त होती थी, दादी अकेले पैदल निकल पड़ती थी पैदल करने के लिए। अमृत वेले के बाद सुबह 5 बजे का समय, अमृत वेले के बाद दादी पहले मुरली पड़ेगी, मुरली पड़ने के बाद में दादी पैदल करने निकल जाती थी और पूरा शांति उनका चप्पल अकेली लगाती थी। मैं दादी को कहती दादी जी मैं आपके साथ में आऊं आपका हाथ पकड़ूं, कहती थी नहीं मेरा हाथ तो बाबा ने पकड़ा है तुम कैसे पकड़ सकती हो। तो अंदर से इतना होता था कि दादी बाबा को कितना अच्छे से अपने यूज करती है, कितना अपना साथी बना करके साथ लेके चलती है। मुझे कहा तुम अकेली चलती हो तो किसको साथ ले जाती हो, तुम्हारे साथ कोई होता है? तो मैंने कहा दादी ने मैं तो अकेली घूमती हूँ, देखो तुम फेल हो गई ना, मतलब तुम बाबा को साथ नहीं लेके जाती हो। तो मुझे लगा नहीं नहीं मैं भी बाबा के साथ घूमती हूँ। तो दादी हमें बीच बीच में हमारे को शिक्षा भी देती थी और बीच बीच में हमारा पेपर भी देखती थी कि कितना बाबा से हमें प्यार और निश्चय है। तो ये बात मैंने दादी से सीखा कि जब भी मैं बाहर जाती थी तो बाबा के आगे 1 मिनट खड़ी होकर के फिर ये बात करना सीखी बाबा आप मेरे साथ चलिए। तो कहते बाबा को बोल के लेके जाती हो, कहते बाबा को बोलना थोड़ी पड़ता है, बाबा को याद करो तो बाबा अपने साथ ही होता है। तो इतनी अच्छी अच्छी बातें मतलब दादी से बैठ के क्लास नहीं सुनाती थी लेकिन चलते फिरते इतनी शिक्षाएं देती थी दादी कि लगता था कि दादी दादी नहीं है, दादी तो पूरी बाबा ही बन चुकी है। ये हमें दिल से महसूस होता था और जब भी मैं उनसे मिलती थी तो लगता था कि दादी से इतनी एनर्जी इतनी शक्ति इतनी विशेषता वो अपने में मैं डाल लूं अपने में मैं ले लूं। लेकिन कहते हैं ना वो तो सागर है, सागर से कितना भी ले लो तो भी कम है, सागर से पूरा हम नहीं कर सकते हैं। हम कोशिश जरूर कर सकते हैं लेने की लेकिन पूरा नहीं ले सकते। उसी प्रकार हम जोड़ी भरते 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 ही रहे हैं लेकिन दादी हमारे देखते देखते संपन्न और संपूर्ण बन गए। ऐसी दादी इतनी विशेषताएं थी दादी को एक बार हम देखा, दादी जब अभी विश्व कल्याण भवन में आए तो दादी जी धीरे धीरे स्वास्थ्य में भी बहुत अच्छा होने लगा। जब दादी का थोड़ा थोड़ा स्वास्थ्य ठीक होता था मैंने कहा दादी देखो बाबा को कहो ना आपकी थोड़ी भी तबीयत ऊपर नीचे होती है तो बाबा ठीक कर देंगे, बाबा तो सबसे बड़े डॉक्टर है और इतने बड़े डॉक्टर है, हमारा पिता भी है भगवान भी है डॉक्टर भी है हमारे शिक्षक भी है। तो कहती है दादी डॉक्टर है तो क्या डॉक्टर को सारी बीमारी बताऊं, बाबा डॉक्टर, अरे बाबा सब जानता है बाबा को मैं क्यों बताऊं। तो दादी बाबा को तो हम बता सकते हैं ना जो भी हमें प्रॉब्लम है, बाबा कहते हैं ना बच्चे मुझे बताओ, बोलती है बाबा जानी जाननहार है, बाबा सब कुछ जानता है, बाबा सब कुछ जानता है और बाबा इतना जानता है कि बाबा को बताने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है।
तो मैं कई बार दादी जी को बोलती थी, दादी हम बाहर प्रोग्राम बनावे, आपके लिए बहुत सारे प्रोग्राम आ रहे हैं, कई बड़े बड़े सेंटर की बहनें कहती है कि आप प्रोग्राम में आइए, चलिए करके आप चलेंगे। कहती मैं कहाँ से जाऊंगी, बाबा को मुझे लेके जाना है तो बाबा लेके जाएगा। तो मैंने कहा दादी आप बाबा से परमिशन लेंगे, सभी बड़ों से परमिशन लेंगे। मगर बाबा ने परमिशन दिया तो सब परमिशन दे ही देंगे, अगर बाबा नहीं चाहेगा तो कोई परमिशन नहीं देगा। तो सबसे पूछो, पहले बाबा से पूछो बाबा ने क्या बोला। मैंने कहा दादी बाबा कहते आपको प्रोग्राम, जैसे अभी 2013 में भी बाबा ने आगे से बाबा दादी जी को हाथ में हाथ पकड़ के बोला, बच्ची आप बहुत गुप्त रही हो, अभी आपको प्रत्यक्ष होना है। बाबा के स्वयं महावाक्य, मैं दादी जी को हाथ पकड़ के बाबा के स्टेज पर गई और बाबा ने स्वयं दादी जी को कहा कि बच्ची बहुत गुप्त रही, अब प्रत्यक्ष होना है। और उसके बाद दादी जी 2016 से दादी जी का बाहर सब जगह जाना आना हुआ। जैसे दादी अभी अभी रिसेंटली दुबई से भी आए थे, मार्च में गए थे, उसके पहले दादी चेन्नई, विशाखापट्टनम, महाराष्ट्र, हैदराबाद, बहुत जगह दादी जी घूम के आए और बहुत अच्छी सेवा करके पालना दे करके आए। दादी जी को हमने देखा बात नहीं करती थी, गुप्त रहती थी, लेकिन गुप्त रहती थी चमत्कार बहुत करती थी। जैसे दादी को महाराष्ट्र में लेके गई एक जगह पर, तो जैसे मैं गोंदिया से हूँ तो गोंदिया की एक जगह पर हमारे सेंटर में भाई बहने मिलने के लिए बहुत सारे आए। दादी गुप्त और गोपनीय तो शक्ति की भरमार थी। तो एक बार एक भाई आया, सिंधी थे, तो कहा कानों में इतना दर्द है दादी, कान का इलाज बहुत किया, मैं एडमिट हूँ लेकिन मेरा कान ठीक नहीं हो रहा है, बहुत दर्द रहता है, बस दादी आप सीट पर हाथ घुमा दीजिए। वो माँ लक्ष्मी बहन अपने बेटे को लेके आई, वो दो बच्चे के बाप थे। तो जैसे दादी ने सिर पर हाथ रखा, दादी ने बोला कुछ नहीं, दादी ने उनको टोली वरदान एप्पल दिया, सिर पर हाथ रखा, और थोड़ी देर के बाद में दादी और लोगों से मिलने में बिजी हो गए, मैं दादी जी के पास ही बैठी थी, और वो बाहर चले गए भाई। बाहर 10 मिनट के बाद में वो भाई वापस आया, वापस आके कहता है मम्मा मेरे कान में तो जरा भी दर्द नहीं है, चुमंतर हो गया है, कुछ भी दर्द नहीं, वो बहुत सो ऐसा हिला के देख रहा है। आया दोबारा वापस और दोबारा आके कहता है कि दादी जी आपने तो चमत्कार कर दिया, मेरे तो कानों में इतना दर्द था, 8 दिन से मैं सो भी नहीं पा रहा था, इतना अच्छा ठीक हो गया, आपकी बहुत बड़ी कृपा मेरे ऊपर। कहा मैं कुछ नहीं करती हूँ, ये तो बाबा ने किया, और आपका भाग्य बहुत अच्छा है, इसलिए बाबा ने आपको अपना बच्चा बना के आपको ठीक कर दिया। तो इतना चमत्कार बाबा ही करते थे, लेकिन दादी जी की तो ब्लेसिंग मिलते ही मैंने अन्य आत्माओं को देखा वो ठीक हो जाते। मैं अपना पर्सनल अनुभव सुनाऊं, 2003 में मैं दादी प्रकाशमणि जी की सेवा में थी, तो मुझे बहुत ज्यादा सर्वाइकल हो गया था और बहुत पेन होता था। तो कई बार डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपको ब्रेन हेमरेज भी हो जाएगा, सिर में भी दर्द है, बैक पेन भी है और शोल्डर पेन भी है, तो बहुत आपको रेस्ट की जरूरत है। लेकिन मैं हमेशा दादी जी के पास आके बैठ जाती थी, दादी यूं यूं हाथ भी लगाती थी और छू मंत्र से मेरा दर्द खत्म, आज तक मैं उठी। पता नहीं बाबा और दादी की ऐसे चमत्कार, ऐसे पालना मुझे अभी तक मिल रही है। ये दादियों की जो पवित्र वाइब्रेशन और उनके जो अंग संग बाबा की शक्तियों का चमत्कार मैंने अपने लाइफ में भी बहुत अनुभव किया। उसके बाद महाराष्ट्र में मैंने देखा, एक हमारा सेंटर था महाराष्ट्र में हिंगणघाट करके, वहां पर सेंटर के पास में बहुत बड़ी खुली जगह थी, बहुत बड़ी खुली जगह, और वो चाहते थे कि ये जगह अगर हमें मिल जाए तो इस जगह के ऊपर हम बहुत बड़ा अच्छा हॉल बनाएंगे या बहुत अच्छी जगह इसको यूज करेंगे। तो नहीं मिल रही थी दादी जी को, वो खास उस जगह पर लेके गए, दादी जी व्हीलचेयर पर बैठे थे और वहां लेके गए। वहां ले जाने के बाद में कहा दादी जी आप इस पर दृष्टि दीजिए, और दृष्टि देकर के बाद में आप इस वो बस इतना ही हो कि ये जगह हमें मिल जाए। तो दादी ने देखते ही देखते एकदम हो गए, कहा ये तो बाबा की जगह है ना, आप क्यों सोचते हो कि ये बाबा को नहीं मिलेगी, ये तो बाबा की जगह और बाबा को ही मिलना है। उसके बाद हम वहां 2 दिन रहे, दादी ने बहुत अच्छी क्लास कराई, बहुत अन्य स्थानों पर गए, हम आ गए। 1.5 मास के बाद वहां से फोन आया कि वो जगह मिल गई, वो जगह मिल गई और रजिस्ट्री भी हो गई। उनके इतने बोले 20 साल से हम सोचते ही रहते थे कि ये मिलनी चाहिए, लेकिन देखो दादी जी आए और चमत्कार हो गया। तो ऐसे कई अनुभव मैंने उनके साथ रहते, उनके सानिध्य में उनकी पालना लेते लेते, कई दादी जी मुख से नहीं बोलती थी लेकिन दादी की जो दृष्टि
और उनकी टोली और उनके वरदान बहुत चमत्कारी थी। दादी जी को हमने देखा प्रकृति चित कैसे थी, वही वरदा सेंटर नागपुर में। तो एक प्रोग्राम था, एक प्लॉट मिला था म्यूजियम बनाने के लिए, मिल तो गया था लेकिन उसके रजिस्ट्री में कुछ बहुत से प्रॉब्लम्स आ रहे थे और रजिस्ट्री नहीं हो रही थी। तो रजिस्ट्री नहीं हो रही थी लेकिन वो बहनों को लगा कि जिस भाई ने तो दे दिया है, दादी जी आई है, कम से कम दादी जी के चरण तो पड़े वहां पर, म्यूजियम तो जब बनना होगा सब बनेगा, जगह मिल गई क्योंकि रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। लेकिन कोई बात नहीं, हम दादी जी को वहां लेके ही जाएंगे और दादी जी के पाँव पड़ेंगे, हो सकता है बाबा करे। सचमुच यही हुआ, वहां बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत बड़ा फंक्शन रखा था, पब्लिक भी बहुत आई थी, वहां बहुत अच्छा पब्लिक प्रोग्राम रखा, पब्लिक भी आई, दादी जी ने क्लास भी कराई। बाबा दादी जी ने कहा ये जो स्थान बनेगा ये बहुत बड़ा स्थान भव्य बनेगा और ये लाखों लोग आएंगे देखने के लिए कि ये क्या बना है यहाँ पर। उसके बाद में देखते हैं कि 1.5 किलोमीटर पर बहुत भारी बरसात हुई, बहुत भारी बरसात हो रही थी, आंधी तूफान भी आया। लेकिन उसके बाद में जब वहां हमारा प्रोग्राम चल रहा था, ब्रह्मा पूजन भी रखा था, पूरा प्रोग्राम हो गया, उसके बाद वहां कोई प्रोग्राम, जैसे सारा प्रोग्राम हुआ और हम सेंटर पर पहुंचे और वहां भर कर बरसात, जहां 1.5 किलोमीटर दूरी पर पहले बरसात पड़ी थी वहां से सब बोल के आया कि बरसात बहुत पड़ रही है, आगे का रास्ता बहुत बारिश वाला है, नहीं जा सकेंगे दादी जी सेंटर पर गाड़ी, और जहां हमारा प्रोग्राम हो रहा है वहां कोई बारिश नहीं है, अच्छे से लोग खा रहे पी रहे अच्छे से एंजॉय कर रहे। लेकिन जैसे प्रोग्राम पूरा हुआ, खाना पीना सब हुआ, समेट लिया, उसके बाद में वहां से चल पड़े आश्रम पर गए, तो उसके बाद में वहां पर बहुत बरसात पड़ी। तो हमने देखा प्रकृति जीता, हमने स्वयं अनुभव किया और हजारों ने महसूस किया कि दादी खेल रहे थे, इतना बड़ा कार्य हुआ, कुछ नहीं हुआ और देखो फिर यहाँ बरसात पड़ी। और जैसे दादी सेंटर पर गई तो सेंटर पर जाके हम भोजन ही कर रहे थे तो वो टीचर बहन आई, बोले दादी ऑफिस से फोन आया है कि अभी आप रजिस्ट्री करने के लिए आओ। तो वो बहन सोचने लगी कि दादी इतना हम मेहनत कर रहे थे, इतना संघर्ष कर रहे थे कि रजिस्ट्री हो जानी चाहिए, वो अभी तक हमको रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा था और आगे से हमको फोन आ रहा है कि अभी रजिस्ट्री करने आ चाहिए। तो बहन खाना भी नहीं खा पाई और तुरंत ऑफिस जाके रजिस्ट्री करके आई। तो दादी ने कहा आप जाओ मैं बैठी हूँ। हम 2 घंटा उसी सेंटर पर बैठे रहे, हमें दोपहर में निकालना था, हम शाम तक वहीं बैठे रहे। दादी ने कहा मैं आराम से बैठी हूँ, आप बाबा का कार्य पहले करके आई और वो रजिस्ट्री करके आई। वो बहन इतनी खुश होकर आंखों से आंसू निकाला, दादी आप तो मुख से भाषण इतना नहीं करते हो लेकिन आपकी दृष्टि में इतना कमाल है, आपकी टोली में आपके चरणों में इतना कमाल है, और दादी हम तो माला माल हो गए, हम तो चमत्कार से भरपूर हो गए। तो ये दादी जी की मैंने, क्योंकि कहते हैं दादी जी यज्ञ की महालक्ष्मी है, प्लांट मनी, मनी प्लांट है दादी जी। हम जहां भी जाते थे कहते मनी प्लांट आ गया। दादी जी के लिए यही बात है कि कोषाध्यक्ष के साथ साथ मनी प्लांट का नाम दादी का लिया जाता था। हम जैसे मेमनगर गए, गुजरात में गए, कहां भी गए, अरे हमारे पास तो मनी प्लांट आ गया। तो दादी जी के अंदर ये देखा कि कभी मैपन नहीं था, मेरापन और मैपन बिल्कुल भी नहीं थे कि मेरी चीज है मुझे यूज होना चाहिए, यही मैं करूं, ये कभी भी नहीं था। हर चीज जो भी है ये सब बाबा का है, मैं भी बाबा की हूँ। दादी आप कौन है? मैं बाबा की बच्ची, तुम भी बाबा की बच्ची, हम सब बाबा के बच्चे। इतना बड़ा कारोबार संभालते हुए भी दादी को कभी मैपन नहीं आया या मेरापन का स्वभाव, दादी हमेशा अपने स्वमान में रहती थी और हर छोटे बड़े व्यक्ति को बड़े सम्मान देती थी। चाहे बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी आ जाए या छोटा भी व्यक्ति आ जाए, दादी ऐसे ही मिलेगी हर एक के साथ में, इतनी प्यार इतनी पालना के साथ में। हर एक को फील होता था ये तो मेरा भाई है, दादी ये भाई आए हैं आप इनको जानते हो, ये कौन है, इनका नाम क्या है? तो दादी उनको देखते ही अरे ये तो मेरा भाई, बाबा का बच्चा आया है। हर एक को दादी इनका नाम क्या है, अरे नाम से क्या काम, हमेशा दादी हमें कहती नाम से क्या काम है, बाबा का बच्चा है मेरा भाई, इससे कोई बड़ा परिचय है क्या दुनिया में। तो हमें लगता था कि दादी को नाम नहीं, लेकिन दादी को वही भाषना, वही पालना और वही प्यार। एक बार की बात है, अभी दादी जी
अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका बने थे, एडिशनल चीफ बने, और उसी बीच में हमारे भारत भूषण भाई जी पानीपत से आए और दादी जी को बधाई देने लगे। दादी जी आपको बहुत सारी बधाई हो, आप पानीपत तो आते आते अभी प्रोग्राम कोरोना है तो आ नहीं पाए हैं, लेकिन दादी आप आएंगे हमें ऐसा विश्वास है। और हमारे प्रोग्राम भी बने थे पानीपत पंजाब के, काफी प्रोग्राम्स बने हुए थे। तो हमने कहा भाई साहब जैसे एक लॉकडाउन खुलेगा हम आएंगे। तो दादी जी को कहा पहले मैं बधाई तो दे दूं कि दादी एडिशनल चीफ बन गए। तो दादी आप एडिशनल चीफ बन गए आपको बधाई हो। दादी कहती है सो क्या। तो कहती सो क्या मतलब दादी आप इतनी बड़ी पद पोस्ट पर हो, आपका इसको खुशी नहीं है, आपको गर्व नहीं है कि आप क्या बने। तो दादी ने कहा मैं बाबा की बच्ची हूँ, मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ, इससे भी कोई बड़ी बड़ी पोस्ट होती है। कहा जो बाबा का बच्चा बन गया और बाबा के दिल पर चढ़ गया, जो ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गया, इससे बड़ी पोस्ट संसार में कोई नहीं है। तो भाई एकदम से चकित रह गया। बोले दादी मैं तो धन्य होकर हाथ ही जोड़ता हूँ कि आज के जमाने पद और प्रतिष्ठा के लिए कितनी झगड़े हो रहे हैं, कितनी लड़ाई, कितना खींचातान हो रही, और आपको जिस पद पर हो उसका भान ही नहीं है, आपको नशा ही नहीं कि मैं एडिशनल चीफ हूँ संस्था के और अकाउंट के हेड हूँ, ये आपको नशा ही नहीं इस बात का। तो आपको मैं नमन करता हूँ, मैं कितना सौभाग्य हूँ कि ऐसे महान व्यक्ति से जिसको ना पद चाहिए ना पोस्ट चाहिए ना पोजीशन का कोई नशा हो ना कोई अभिमान हो किसी बात का, अपने सोमान में बस बाबा ने मुझे जो कारोबार दिया है वो मुझे कार्य संभालना है, दादी जी ने जो मुझे कार्य दिया है वो संभालना है, बाबा का राइट हैंड दादी जी बनके रहे, मम्मा का राइट हैंड बन करके रहे, दादी प्रकाशमणि जी के साथ अंग संग कदम से कदम मिलाकर चले, फिर दादी जानकी जी के साथ घनिष्ठ प्यार, बहुत प्यार, दादी जहां भी जाती थी मुझे तुरंत फोन कर कविता यीशु दादी को लाओ, जहां भी लंदन दादी जाएगी मैं जाती हूँ दादी को लंदन में जाऊंगे, लेकिन मेरे स्थान पर दादी जी को रखना, शक्ति भवन दादी संभाल, मैं आती तक दादी शक्ति भवन में ही रहना चाहिए, दादी पूरा ध्यान देती, वहां से फोन करती थी दादी जी शक्ति भवन में रहे हैं तो कोई चीज की कमी तो नहीं हो रही है, दादी को सब कुछ मिल रहा है, दादी जी को अच्छी सुविधाएं हो, इतना प्यार मैंने खुद अनुभव देखा, अपने आंखों से देखा। उसके बाद आज रत्न में दादी जी, उनके साथ में दादी का उतना ही प्यार था, हम सोलार में जाते थे घूमने के लिए दोनों दादियों को साथ में, तो रत्न में दादी जी आए पूछो फोन करके दादी भी आवे ना इकट्ठे घूमने जाएंगे। तो हर एक के साथ में एडजस्ट होना ये कोई साधारण तो बात नहीं है। आज हम देखते कि एक व्यक्ति के साथ में मिलनसार होना हम समझते कि हम बहुत मुश्किल है, लेकिन दादी को मैंने देखा इतना निर्माण, इतना सरल चित कि कोई कैसा भी हो छोटा हो लेकिन हर एक के साथ इतना प्यार, इतना अपनापन, इतना मिलन की भावना और इतनी खुशी, ये मैंने दादी से ही सीखा। दादी की लाइफ के इतने चमत्कार मैंने देखे अपने जिंदगी के अंदर कि दादी जी को मैं कहती थी दादी आप भोजन करते हैं बाबा को तो याद करते हो लेकिन भोजन के साथ साथ आप और एक करोगे, तो बोलती थी क्या मैं क्या करूं, तो मैं कहती थी दादी आप एक रोटी खाते हो कभी दो रोटी भी खाया करो, तो कहती थी दादी जब बेकरी पार्टी चला तब मैंने बाबा को एक रोटी भी खरीदने दी, तो मैं अमानत में ख्यानत कैसे करूं, मैं दो रोटी कभी नहीं खाऊंगी। तो दादी छोटा सा फुल्का है बनाई ठंडा हो जाएगा, नहीं नहीं मैंने एक रोटी लिख के दिया था मैं एक ही रोटी, क्योंकि मैंने बाबा को मम्मा को लिख के दिया है। इतना दादी जी को अपने निश्चय पर इतना भरोसा, इतना विश्वास होता था। और सारा दिन मैं देखती थी मुरली हाथ में होते, डायरी पेन और मुरली, यहाँ भी दादी जी ऑफिस में, लेकिन रोज ऑफिस जाएगी दादी, दादी के पास एक भी लिफाफा आ जाएगा दादी ये नहीं सोचेगी एक लिफाफा है तो मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी, एक लिफाफा आया तो भी मुझे ऑफिस जाना है, चाहे थैला भर के आया तब भी मुझे ऑफिस जाना, अभी आया और मुझे अभी जमा करना है, ये नहीं सोच रहा है कि कल मैं जमा करूंगी, नहीं अभी आया और मुझे अभी जमा करना है, ये दादी जी के अंदर मैंने विश। और दादी खुद स्वयं ऑफिस जाती थी, दादी ऐसे जब दादी की तबीयत बहुत अच्छी थी यहाँ भी थी और तो दादी कम से कम 10-12 चक्कर तो ऑफिस के रोज लगा लेती थी, दिन भर अपना लिया कि चल पड़ी ऑफिस में, कभी नहीं सोचती थी कि मेरे कोई साथ चले या मैं किसी के साथ जाऊं, खुद ही अकेले चल पड़ती।
और जब दादी जी के हेल्थ थोड़ा सा उनके उम्र के हिसाब से नाजुक होने लगी तो हमें हाथ पकड़ के लेके जाए, चलो ऑफिस पहले, रात के 9 भी बजेंगे, गोलक भाई ऑफिस में होंगे, 8 भी बजे होंगे, सुबह जाके आएगी, फिर भी शाम को बोलेगी मुझे ऑफिस तो जाना, दादी ये थोड़ा एक दो कवर है सुबह, नहीं नहीं अभी जमा करना है, कल किसने देखा, अचानक कभी भी कुछ हो सकता है, मुझे तो अभी जाना है, ऑफिस जाना है। तो इतना ऑनेस्ट, इतना यज्ञ के प्रति प्यार, इतनी भावना, वो दादी जी में कूट कूट कर हमने देखा, आदर्श मूर्ति रही। तो आज वो दादी जी भले सूक्ष्म में हमारे साथ में है, लेकिन साकार को मैं बहुत मिस करती हूँ, हर पल पल मिस करती हूँ, कि जो दादी हमें चलना बोलना मुस्कुराना सिखाती थी, आज वो दादी हमारे बीच में नहीं है, हर पल पल हमें उनकी कमी का महसूस करता है, क्योंकि इन 23 सालों में मैं सब दादियों के हाथ पकड़ के ही चली हूँ। आज जब मैं थोड़ा सा भी बाहर निकली, अभी तक तो निकली नहीं, लेकिन जब भी बाहर निकली तो लगता था कि जैसे मेरा हाथ खाली थी। दादी की बहुत पल पल में याद आती है, लेकिन जैसे वो दादी की शिक्षाओं को, दादी की विशेषताओं को, दादी के पास जो खजाना था उसे मैं याद करती हूँ, तो लगता है कि नहीं, दादी की जो भी शिक्षाओं को मैंने अपने जीवन में देखा है, मुझे उनके जैसे बनना है, उनके हर कदमों को, हर कर्म को फॉलो करना है, यह मैं जीवन का सार समझ करके चलना चाहती हूँ, और कोशिश भी यही रखी है, क्योंकि दादी को हमने अन्य स्थानों पर, काफी स्थानों पर लेके गए। एक विशाखापट्टनम की बात मैं आपको सुनाऊं, एक भाई थे बेचारे चल नहीं सकते थे, अचानक एक्सीडेंट हो गया था, तकलीफ थी चलने में, लेकिन विशाखापट्टनम में बहुत पब्लिक थी और वहां पर बहुत अच्छा स्टेज पर प्रोग्राम हो रहा था, तो भाई ने कहा कि मुझे दादी जी से मिलाने ले चलिए, दादी से मैं सेकंड करना चाहता हूँ, बहुत अच्छा भाई, और जैसे दादी जी सेकंड करा, गीत बज रहा था, दादी ने हाथ में हाथ पकड़ा, कहा नाचो आप भी नाचो, तो कहा दादी मुझे थोड़ी टांगों में तकलीफ है, मैं नहीं नाच सकता, अरे आप बाबा का बच्चा हो नाच नहीं सकते, चलो मैं भी नाच, और दादी ने उनका हाथ पकड़ के ऐसे ऐसे दादी सारा दिन ताली बजाती थी और ऐसे ऐसे दादी हाथ को हिलाते रहते थे, आप सबने नोट किया होगा, तो ऐसे ही दादी जी के साथ उन्होंने किया, और भाई साहब सबसे वंडरफुल कि पूरा गीत पर अकेले नाच पड़े, पूरा गीत पूरे अकेले गीत पर अच्छे से उन्होंने डांस किया, और जाके दादी के पास आके एकदम दादी के गोदी में आ गए, और दादी ने से छोटे बच्चे तरह उसने गोद में ले लिया, कहते दादी ये तो कमाल हो गया, आपने मुझे नचा दिया, कहा देखा तुमने बाबा का हाथ पकड़ा, बाबा ने तुमको खड़ा करके नाचना सिखा दिया। तो ऐसे ऐसे अनुभव मैंने दादी के जीवन में देखा कि चमत्कारी कर, हर असंभव कार्य को संभव कर देती थी। उसके बाद हम चेन्नई में आए, तो चेन्नई में जब हम आए, एयरपोर्ट पर आए, तो हमें कुछ गिनती करके सामान नहीं लाए थे, तो हमारा जो सामान था ना 35 किलो ज्यादा था सामान, 35 किलो। तो वो भाई वहां बोलने लगे, सेंटर का भाई था, का आप चिंता नहीं करो, एयरपोर्ट पर जो मैनेजर है ना मेरे पहचान का है, हो जाएगा इतना सामान, कोई बड़ी बात नहीं, आप ले चलिए, हम भी बड़े भावना से ले चले। लेकिन जैसे वहां गिनती करने तो 35 किलो ज्यादा निकला, तो वहां का जो मैनेजर था उन्होंने कहा ये आप सामान इतना तो हम नहीं जा सकते, अगर आपको लेके जाना है तो 16,000 रुपया भरो इसमें, उसके बाद हमें सामान लेके जा सकते हैं। हमने कहा नहीं, हम पैसा तो नहीं भर सकते हैं, हम भले वापस लेके जाएंगे, अच्छा ठीक है 10,000 ही दे दो, उसमें मैं सारा सामान लेके जाऊंगा। हमने कहा नहीं, ये भी हम कोई बात नहीं, आश्रम तो हमारा घर है, सामान तो आज निकल आ ही जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। हमने कहा सामान हम वापस करते हैं, तो सब शांति से हम, थोड़ा फ्लाइट को भी लेट था तो सिटिंग रूम में हमको बिठा दिए, हम बैठ के योग कर रहे हैं। सेंटर का ही भाई, समर्पित भाई, उसके कुछ बहुत अच्छे अच्छे लोगों को परिचय के, बोले दादी हमारे पास टाइम है तो क्यों ना हम लोगों को दादी से मिलाते, टोली का डब्बा वरदान और कुछ सौगात भी हमारे सामने, ओम के कुछ पेन भी थे, डायरी थे, ओम के जो गिफ्ट आइटम थे वो भी थे मेरे पास में। मैंने कहा भैया हाँ थैला भरा हुआ है हमारे पास में, टोली भी है वरदान भी है, तो जो भी आपको जानते हैं परिचय है उन सबको लेके, मैनेजर को लेके आया, ऑफिस वर्क को बहुत कम से कम
30-40 लोग मिले, दादी से आकर हर एक मिला, वो मैनेजर भी आके मिला, हर एक ने बड़ी भावना से दादी के दादी जी को प्रणाम किया, दादी जी के चरण छुए बहुत लोगों ने, और दादी जी के हाथ में टोली ली, दादी जी से वरदान भी लिया और जो गिफ्ट भी दिया, ओम का था, किसी को पेन दिया, किसी को डायरी दिया, किसी को ओम के आइटम दिया, किसी को ओम शांति की प्लेट दी, किसी को किचन भी दिया, ऐसी चीजें मैं बांटती गई दादी के हाथों से। 10 मिनट के बाद में वो मैनेजर आया खुद ही कि आपका सामान कहाँ पर है। हमने कहा भाई साहब अभी बाहर लेके जा रहे हैं, हम सामान अभी भेज देते। बोले नहीं नहीं आप सामान दे दीजिए, वो सामान में दे दीजिए, सामान में रख दूंगा। तो हम सब एक दूसरे के चेहरे को देखने लगे कि अभी अभी इन्होंने तो सामान वापस भेज दिया हमारा, और हम तो गाड़ी में रखने के लिए जा रहे, सेंटर भेज रहे, और ये कहते हैं सामान दो। फिर हमने फोन किया, भाई सामान मांग रहे, मैनेजर साहब आए हैं, तो क्या ऐसा चमत्कार हो गया कि वो सामान मांग रहे हैं करके। तो उन्होंने कहा कि मैं दादी जी से मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा दादी जी से मिलके, दादी जी को प्रणाम किया, दादी जी के पांव छुआ, और दादी जी मुझे टोली खिलाई, इतनी स्वादिष्ट टोली, दिलकुश मिठाई थी हमारे पास, कब बहुत अच्छी लगी टोली, और बहुत अच्छा दादी से मिलके मुझे खुशी हुई, जैसे लगा कि साक्षात मैं भगवान से मिल रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है, आप मुझे प्लीज सामान दे दीजिए, मैं वो सामान फिर से फ्लाइट में रखता हूँ। और उन्होंने सामान लेकर के भाई साहब खुद अपने हाथों से उठा करके ले गए और फ्लाइट में रखा। तो ऐसे असंभव कार्य को, तो ऐसे हमारी दादी जी जो हर एक विशेषताओं से संपन्न, असंभव को भी संभव कर दिया बिना बोले। तो हम हमेशा कहते थे दादी जी की दृष्टि बड़े कमाल की है, दादी जी के जो मुख से बोल, बस मेरा बाबा सारा दिन मुझे, मैं दादी जी की सेवा में होती थी सारा दिन, जब भी दादी जी के कार्य करती थी, देखो ना तुम बाबा को, देखो मेरा मीठा बाबा, देखो दादी ये मैं सेवा में इतना बिजी हूँ, ये भी कब, ये सब बाद में, तो मेरा बाबा देखो कितना मीठा बाबा, दिन भर बाबा बाबा और मुरली, इतना दादी जी का अनहद गीत, हमें बाबा याद नहीं करना पड़ता था, दादी के मुख से बाबा हमें याद रहे। तो ऐसे दादी जी के साथ में रहते हुए हमें बहुत खुशी और अनुभव होता था, और हमें बहुत खुशी का अनुभव और अच्छा लगता था। थैंक यू, ओम शांति, आगे ऐसे ही आप सबसे मिलते रहेंगे जी, काफी समय हो जाएगा। लेकिन कविता बहन थोड़ा सा आप अंतिम सीन भी बताइए, ऐसे कैसे अचानक दादी जी को कोविड भी हुआ और शरीर थोड़ा, वो अंतिम स्थिति दादी की और आपके साथ का जो भी लास्ट वार्तालाप हुआ हो, वो भी अगर आप अनुकूल समझे तो वो प्रकाश डाले, अगर आपको ठीक लगे। जी, दादी जी की हेल्थ तो बहुत अच्छी हो गई थी, दादी जी को शारीरिक कोई तकलीफ नहीं थी यहाँ पर, लेकिन अचानक दादी जी का यहाँ पर एक दिन पहले दादी को थोड़ा सा, थोड़ी सी खांसी हो गई थी, क्योंकि दादी जी को खांसी थोड़ी हल्की, हल्का सा कफ भी हो गया था, तो दादी जी को हम स्टीम भी देते थे और कुछ दवाइयां भी देते थे, उसे रिकवरी हो रही थी। लेकिन दादी का दूसरे दिन देखा तो दादी का ऑक्सीजन कम होने लगा था, तो क्योंकि ऑक्सीजन कम होने का कारण हमें पता था, क्योंकि दादी को हम रोज में सोलार में घुमाते थे, रोज सोलार लेके जाते थे, तो 4 दिन से हमने सोलार दादी को लेके नहीं गए, क्योंकि यहाँ पर शांतिवन में बहुत ज्यादा कोरोना वायरस फैल गया था, आनंद सरोवर में भी बहुत ज्यादा, सोलार में भी और शांतिवन में भी। तो हमें ही किसने कहा, बड़ों ने, कि आप दादी को बाहर मत निकालिए, और दादी जी को जब बाहर नहीं लेके गए तो दादी का ऑक्सीजन कम हो गया, क्योंकि दादी को कोरोना है ये हमें पहले पता नहीं चला। जब दादी का ऑक्सीजन कम हो गया तो मैंने एवर एलडी से ही भाइयों को रिक्वेस्ट किया कि आप ऑक्सीजन का बोतल लेके आओ, दादी को लगाओ, दादी को लगाया तो वो बोतल काम नहीं कर रहा था, तो ऑक्सीजन कम होने लगा, फिर मैं दादी को जितना जल्दी हो सके ट्रोमा में लेके गए, ट्रोमा में जैसे लेके गए तो ऑक्सीजन वगैरह लगा दिया दादी का, दादी सीटी स्कैन करा, सीटी स्कैन में दादी को कोरोना पॉजिटिव आया, उसमें सीटी स्कैन में नव पॉइंट आया दादी को, तो उसमें पता चला कि दादी को कोरोना पॉजिटिव हुआ करके, क्योंकि दादी जी को कोरोना पॉजिटिव होने का कारण भी एक था कि गुलजार दादी जी के समय बहुत होलसेल में पार्टी आ गई बाहर से, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी छुट्टी दे दिया और यहाँ भी सभी को छुट्टी मिल गई कि भाई जिसको आना है आओ। तो हमारे कुछ सेवाधारी भाई बहने जिस जनरल में रहते थे, वह पार्टी के भाई बहने भी वहीं पर रहे,
तो पहले हमारे पास जो सेवा के लिए आते थे वो भाई बहनों को कोरोना हुआ, उसके कारण फिर हमारे पास एक बहन थी उनको हो गया, फिर उनसे दादी को हो गया, फिर उनसे फिर भाई को हो गया, इससे सभी पॉजिटिव, मेरे को नहीं हुआ था उस समय तक, मैं बिल्कुल ओके थी, थोड़ी हल्की खांसी थी लेकिन ठीक थी। फिर दादी जी को ट्रोमा में हम लेके गए, ऑक्सीजन वगैरह लगा दिया, तो हमारा एक विचार था कि दादी यहाँ ठीक हो जाएगी, लेकिन उस समय बनारसी भाई जी, निर्भय भाई जी, डॉक्टर प्रताप मिड्डा सब अहमदाबाद में थे और वो भी सब, उनको भी पॉजिटिव ही थे, तो उन्होंने कहा कि हमारा इलाज यहाँ अच्छे से होता है, आप दादी को अहमदाबाद लेके आइए। तो दादी को हम अहमदाबाद ले गए, लेकिन दादी जी पूरी टाइम एम्बुलेंस में मेरे साथ बैठे, दादी ऐसे हाथ हिलाते नाचती रही और दादी स्ट्रेचर से भी मेरी गोदी में आ गई, बीमार नहीं थी जरा भी, ऑक्सीजन भी एकदम लेवल में था, 5 नंबर का लगाए थे लेकिन एकदम दादी का ऑक्सीजन भी ठीक था। फिर वहां पर दादी को लेके गए, एडमिट किया, दादी बहुत अच्छी रही। फिर अचानक दादी का ना ऑक्सीजन थोड़ा और फिर आज मतलब नॉर्मल रूम में ही थे दादी, कमरे में ही थे पहले तो, आईसीयू में नहीं लेके गए, तो दादी एकदम ओके थे। फिर अचानक इधर डॉक्टर ने कहा कि ऑक्सीजन थोड़ा लेवल में नहीं है, दादी को आईसीयू में लेके जाते, तो वहां आईसीयू में लेके गए, तो दादी वहां भी बहुत अच्छी रहे, दादी 6 दिन बिना ऑक्सीजन की रहे, दादी का लंग्स बहुत अच्छा, किडनी अच्छी थी, दादी का जो कोरोना भी नेगेटिव हो चुके थे, मतलब कोई तकलीफ नहीं थे, लेकिन कहते ना होने को कोई टाल सकता है, तो उस प्रकार डॉक्टर डूमरा दादी का पूरा इलाज कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि दादी जी को एकदम ठीक हो गए हैं, हम दूसरे कमरे में आईसीयू से शिफ्ट करना चाहते हैं, तो दादी जी को पहले नॉर्मल चेयर पर आप बिठाइए, 1-2 घंटा हम देखना चाहते हैं। तो कहा कि फिर बाद में 2 दिन मेरे को बोलते रहे कि आप बहन दादी को ना नीचे चेयर पर उतार के बिठा दीजिए। तो हमने कहा डॉक्टर साहब दादी एक तो 95 ईयर्स है और थोड़ा ओल्ड एज के कारण दादी को वीकनेस है, क्योंकि भोजन मुख से नहीं ले रहे थे दादी, तो नाक से राइट रूप से दादी जी को भोजन जा रहा था, तो दादी को वीकनेस थी और थोड़ी हेल्दी बॉडी थी, तो दादी को इतनी ताकत नहीं थी कि दादी आराम से नीचे बैठ सके या उतर सके। फिर भी दादी को हमने सबने मिलकर के नीचे उतारा, दादी को चेयर पर 3 घंटा बिठाया, लेकिन डॉक्टर ने जब कहा कि 3 घंटा बिठाने के दादी को ऊपर बेड पर लेना है, तो बेड पर जब लेने गए तो उस समय वार्ड बॉय कोई नहीं था, उनको केवल नर्सेस थी, और नर्सेस के कारण जब मैंने उनको अनुरोध किया कि वार्ड बॉय कोई भी नहीं है, सभी नर्सेस दादी को संभाल नहीं पाएंगे, तो उन्होंने हमें कहा कि नहीं नहीं आप चिंता मत कीजिए, हमारा तो रोज का ही काम है, हम संभाल लेंगे। और मैं दादी जी के सिर के पास खड़ी थी, दादी का सर को संभालूं और अपने संभाल करके दादी को तकिया वगैरह लगाऊं, मुझे वहां से भी हटा दिया उन्होंने, जबकि मैं दादी के पास 22 घंटा आईसीयू में होती थी, 1 मिनट भी दादी को आईसीयू में भी नहीं छोड़ा। उन्होंने हमें बहुत रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज आप मत रहिए, लेकिन हमने कहा नहीं दादी, दादी नहीं हमारे बाबा है, भगवान का रूप है और हमारी माँ है, देवी है हमारे लिए, तो हम उनको नहीं छोड़ सकते। मैंने बड़े से बड़े व्यक्ति से रिक्वेस्ट करके मैंने छुट्टी ली अपने लिए और मैं कम से कम 20-22 घंटे में दादी के साथ ही होती थी, 1 दिन भी दादी जी को छोड़ के हम नहीं रहे वहां पर, लेकिन उन्होंने हमारी कुछ भी नहीं सुनी। और दादी को जब चेयर से उठाए तो हम जैसे दादी को बच्चे की तरह उठाते थे गोदी में, और फिर दादी को सुलाना उठाना बिठाना कर, उन लोगों ने चादर के साथ दादी जी को उठाया और चादर के साथ बेड पर रखा, और दादी जी का जो सिर का भाग था वो थोड़ा नीचे रह गया, और नीचे रहने के कारण दादी जी को उल्टियां हो गई, और उल्टियां हुई तो वो सारी लंग्स में चली गई, और लंग्स में जाने के बाद दादी जी को सांस लेने में तकलीफ हो गई, और इतनी तकलीफ हो गई कि दादी को बाईपाइप लगाना पड़ा इमिडिएट 4 घंटे के बाद में। 4 घंटे दादी फिर भी ठीक रही ऑक्सीजन पर, 4 घंटे के बाद में दादी को बाईपाइप लगाना पड़ा, और बाईपाइप उन्होंने इतना ड्राई लगाया था, फुल कोर्स पर लगाया, कि दादी की जीभ वगैरह सब सूख गई। फिर दादी जी का धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड कम होने लगा, बढ़ने लगा, दादी के बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बढ़ गया। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं अभी क्या कर सकते, दादी का तो सब कुछ अच्छा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में इतना बढ़ गया है तो दादी को नाजुक हो गई हेल्थ। तो फिर उन्होंने वेंटिलेटर दादी जी को लगाया और वेंटिलेटर पर भी दादी 2 दिन रहे। हमने उस समय रिक्वेस्ट किया था कि दादी जी को वेंटिलेटर तो नहीं लगाना, लेकिन सभी बड़ों का था, मैं सभी बात भी करके रख ली थी कि हमें वेंटिलेटर नहीं लगाने, लेकिन फिर भी बड़ों ने कहा कि नहीं नहीं दादी, डॉक्टर भी कहा कि नहीं दादी को लगाना पड़ेगा, तो फिर लगाया और दादी जी 2 दिन में ही गए। लेकिन दादी जी हमेशा एक चाहती थी, बाबा मुझे यहाँ रखा हुआ है, यज्ञ की जिम्मेवारी
संभालने के लिए, करने वाला बाबा है लेकिन बाबा ने मुझे यज्ञ संभालने के निमित्त बनाया। मैं तो बहुत लंबी आयु जीने वाली हूँ और बाबा ने मुझे बहुत अच्छा रखा है, मैं स्वस्थ हूँ। दादी को ये नहीं संकल्प था कि मुझे जाना है, दादी ने हमको हमेशा यही दिखाया कि मैं अभी तो बहुत लंबी आयु रहने वाली हूँ, बस स्वस्थ। और दादी जी बहुत स्वस्थ थे भाई सब, हमारे पास इस कमरे में एक दिन भी दादी जी बीमार नहीं रहे, एक दिन भी बीमार नहीं रहे, एक दिन भी ये नहीं हमने देखा कि दादी को ऑक्सीजन कम हो गया, दादी को कोई तकलीफ हो गई, नहीं। दादी जी यहाँ पर विश्वकर्मा में 5 साल रहे, 5 साल में एक दिन भी दादी का कोई रोल नहीं कि दादी कोई तकलीफ हो, क्योंकि हम रोज दादी जी को 1 किलोमीटर पैदल चलाते थे, सोलर में दादी जी रोज जाती थी, और जब सोलर का भी नहीं भी जा पाए तो हम शांतिवन में दादी को यहाँ से विश्व कल्याणी से लेके डायमंड हाउस तक पैदल लेके जाती थी, और दादी नॉर्मल चलती थी, ऐसी कोई तकलीफ नहीं थी। और दादी जी की भले बाबा ने हमें संदेश में हमने सुना कि दादी अंदर से तैयारी कर चुकी थी बाबा के पास जाने की, गुलजार दादी उनकी सखी थी तो उनको भी लगता था कि मेरे सब सखी चले गए तो मैं भी जाऊं, संदेश में हमने ये सुना, लेकिन दादी जी ने अपने रहते कभी हमें महसूस नहीं कराया कि मुझे जाना है। जब भी मैं दादी जी को रात में सुलाती थी तो मुझे बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार करके कहती थी न तुम मुझे कभी छोड़ोगी न मैं तुझे कभी छोड़ूंगी, हम इकट्ठा आए हैं तो इकट्ठा बाबा के साथ। हमेशा दादी ये पल ये सवाल दादी बोलना मुझे भूलती नहीं थी, ना तुझे मैं कभी छोड़ूंगी ना तू मुझे कभी छोड़ेगी, हमेशा दादी मेरा हाथ में हाथ लेके मुझे प्यार करेगी, गले लगाएगी, और एक बात मुझे बहुत पक्का कराती थी कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी, तुम तो मेरी माँ हो। और दादी को कि दादी आप मेरी माँ हो, आप मेरे लिए सब कुछ हो, क्योंकि मैं दादी को छोड़ के कभी परिवार में भी कहीं भी नहीं जाती थी, कभी एक पल के लिए मैं दादी से दूर होती नहीं थी, और मैं चाहती थी कि दादी जितना भी चाहे 100 साल रहे चाहे 100 साल से ऊपर, दादी जी भगवान मुझे सुबह अवसर दिया है ये देवी की चरणों की सेवा करने का, मैं दिल जान से सेवा करूं, आज तक भी यही उम्मीद से मैं करती थी, और अभी भी वही है कि जो दादी की शिक्षाएं है अब मैं उसको आगे बढ़ाऊं। दादी जी की तो बहुत सी बहुत बहुत विशेषताएं हैं, बहुत सारी शिक्षाएं हैं। थैंक यू कविता बहन। बाबा 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 और साथ में दादी दादी दादी, और कितनी निर्माणता है आप में ये भी इससे पता पड़ता है। और हमने ये देखा कि जब भी दादी को मिलने हम आए तो उस कमरे में हमेशा खुशियों की बौछार हुआ करती थी, और दादी में तो वो खुशी की खुराक कहे खुशी का खजाना कहे दादी के पास तो था ही था, लेकिन सच बताता हूँ आपके पास भी वो कोई कमी नहीं है, आप भी उसकी ही जैसे के प्रतिमूर्ति है, वो खुशी की खुराक और वो खजाना आपके पास भी कूट कूट के भरा हुआ है, और इस वक्त भी आपके चेहरे से वो बैलेंस भी नजर आता है, जहाँ गंभीरता चाहिए वो गंभीरता, फिर वही रमणीकता और खुशी, ये आपकी बहुत विशेषता है। और कितनी ऑनेस्टी से आपने हर बात को रखा, कैसे निर्माणता पूर्वक भी और ऑनेस्टी से हर बात को आपने सुनाया, और कई बातें दादी यीशु के बारे में आज कुछ बातें तो कहेंगे पहली बार ही सुनने को मिली, शायद किसी और भाई बहनों को पता होगा, लेकिन जो आपने संदेशी की बात कही वो बात मुझे कम से कम नहीं पता थी, शायद सुभाष भाई को दयाल भाई को पता हो कि मैंने सब यीशु को बता के रखा है, बाबा ने कहा ये संदेश बहुत भाई बहनों को नहीं पता होगा, ऐसी कई बातें आज हम सबको आपके माध्यम से सुनने का जानने का मौका मिला, और इससे निश्चय ही सबका बाबा के ऊपर और दादियों के ऊपर भी प्यार बढ़ता ही बढ़ता है, तो ये भी आपके द्वारा कहेंगे बहुत अच्छी आज सेवा हो गई, हम सबको बहुत लाभ मिला, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से हम धन्यवाद अदा करते हैं। और दयाल भाई अभी आप सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकते हैं, अभी हाथ खड़ा करें, अच्छा अच्छा हाँ, तो अब कुछ आप कहे, मां दयाल भाई बहुत खुश है आज के आपके सेशन से, कल ही फोन आया बोले कविता बहन का है, बोले हाँ मैं हाजिर रहूंगा, तो एकदम खुशी से बता रहे थे, हाँ दयाल भाई। मैंने कहा कि मेरी बहुत इच्छा थी कि कविता बहन अपना अनुभव सुनावे दादी के साथ वाला, क्योंकि मैक्सिमम टाइम कविता बहन ही रही है, और कविता बहन और हम लोग तो काफी नागपुर सेंटर के थ्रू
एक दूसरे से अच्छी जान पहचान रही है। और वैसे तो प्रैक्टिकली जब यहाँ पर थे कविता बहन तो अक्सर मेला करते थे, लेकिन शांतिवन जब से गए तब से उनसे मेला नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि यशोदा जी के प्रति तो मेरे भी दिल में बहुत रिगार्ड है, क्योंकि जब मैं दुबई से आया था 94 में, तो अकाउंट का जो हमारा था लेना देना हिसाब किताब थोड़ा सा जो भी कुछ था, तो दादी ने मुझे दादा विश्वरतन और अपना दादी के साथ में ही हमारा होता था। और काफी मैंने दादी के बारे में सुना था कि दादी का शॉर्ट हैंड बना के लिखते थे, तो दैट इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस डज नॉट मीन कि जो बहुत ज्यादा किताबें पढ़ा है, बहुत ज्यादा सर्टिफिकेट ली है वो इंटेलिजेंट है, नहीं, ये नेचुरल इंटेलिजेंस है जो अपने शॉर्ट हैंड निकाल कर पूरी मुरलियों को लिखे और फिर उसको अकाउंट भी बिना किसी अकाउंटेंसी से पढ़े या वगैरह किए, तो ये तो गॉडली गिफ्ट ही है और दादी की विशेषता है। और बहुत अच्छा लगा आज का क्लास, और कविता बहन से भी इंशाल्लाह आगे और मिलते रहेंगे और उनसे कुछ न कुछ हम थोड़ा और डिटेल में लेते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, अभी टाइम भी काफी हो चुका है, तो ओम शांति। शुक्रान, शुक्रान कहना पड़ेगा ना फिर, आप इंशाल्लाह कहेंगे तो हम आपको शुक्रान कहेंगे। बात रखे फिर बाबा की याद में पूरा करते। सुभाष भाई ओम शांति, आज बहुत खुशी हुई कि हमारे बहन इतने अच्छे अच्छे जो हमें भी पता नहीं था ऐसी ऐसी बातें सुनाई, तो बहुत अच्छा। और हमारा बहुत दिनों से दिल था कि उनको इधर लेके आए, स्टेज पे लेके आए, तो आपने भी डेट दिया बहुत अच्छा। और कविता बहन ने तुरंत बोला हाँ क्यों नहीं, दादी की बात तो मैं अच्छी तरह से सुनाऊंगी, मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे पास बहुत खजाना है। मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है, तो बहुत अच्छा। थैंक यू कविता भाई, थैंक यू निमेश भाई, थैंक यू दयाल भाई, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा, आपने चांस दिया, हमें बहुत खुशी हुई। तुमको ज्ञान सरोवर में भी आके सुनाना है, आप बुलाएंगे जरूर आएंगे। ठीक है, जरूर बुलाएंगे, जरूर। ओके, तो सभी का धन्यवाद, सभी भाई बहने एक हाथ खड़ा करके कविता बहन का धन्यवाद करे। देखो कितनी गहरी गहरी बातें दादी की, बाबा के प्यार प्रसाद की बातें सुनाई, प्रैक्टिकल में जीवन में धारण करने वाली बातें सुनाई। चलिए तो दो मिनट बाबा की। दिया है दुला